अगली खबर की ओर कर लेते हैं। अगली खबर कछुआ से है। स्थानीय थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ के पास शनिवार को 10 फीट गहरे तालाब में डूबने से 32 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जय प्रकाश उर्फ गुड्डू राय नित्य के भांति शनिवार सुबह 10 बजे भी तालाब में जाल लगाकर मछली मारने का कार्य कर रहा था। अचानक पैर फिसलने से वह गहरे तालाब में जा गिरा। साथ में मछली मार रहे साथियों ने गिरने के बाद शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठा हुए और तालाब में कूद जयप्रकाश को खोजने लगे, लेकिन जाल में फंस जाने के कारण जयप्रकाश तालाब के बीचों बीच गहराई में चला गया था। घंटों तलाश के बाद ग्रामीणों के हाथ लगा, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। आनन फानन में परिजनों ने उसे निजी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना लगते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ज्ञात हो कि जयप्रकाश उर्फ गुड्डू राय काफी वर्षों से सरकारी तालाब में मछली पालन का कार्य करता था। मृतक के पास एक 10 वर्षीय पुत्र साहिल राय व दो पुत्री कर्मशः सानिया 5 वर्ष व श्रेया 3 वर्ष है। पत्नी सहित परिवार के लोग रो रो कर बेहोश हो रहे हैं। घटना की सूचना लगते ही कछुआ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।